हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू सूर्यवंशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, प्रोफेशनल मेकअप क्लास थर्ड। तो आज हम तीसरी क्लास में आपको फाउंडेशन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देने वाले हैं कि कितनी तरह के फाउंडेशन होते हैं, कौन सी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन चूज करना है और हमें फाउंडेशन कैसे अपनी स्किन के हिसाब से लेना है, या फिर फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं। ये फाउंडेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर हमारा वेस खराब है, अगर हमारे पूरे मेकअप में वेस खराब है, तो आप चाहे कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, वो मेकअप अच्छा नहीं लगता। अगर या फिर आपने दूसरा ये कि आपने अच्छे से फाउंडेशन चूज नहीं किया है, तो वो आपका मेकअप केकी या फिर थोड़ी देर बाद ब्लैक ब्लैक होने लगता है। तो वो ऐसा हम कैसे रोक सकते हैं होने से, कि हमारा फाउंडेशन, हमारा बेस अच्छे से चेहरे पे अपने पे सेट हो जाए। तो ये सब आज हम आपको बताएंगे। फाउंडेशन के बारे में पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले फाउंडेशन जो होता है वो लिक्विड फाउंडेशन होता है, जो लिक्विड बेस में फाउंडेशन होता है। लिक्विड बेस का फाउंडेशन लिक्विड बेस में होता है। दूसरा जो फाउंडेशन होता है वो क्रीमी फाउंडेशन होता है, जो आपने देखा होगा छोटी छोटी डिब्बियों में आता है, वो क्रीम बेस्ड फाउंडेशन होता है, क्रीम फॉर्म में होता है। और जो तीसरा जो फाउंडेशन होता है वो पाउडर बेस्ड फाउंडेशन होता है, उसे हम पाउडर बेस्ड फाउंडेशन कहते हैं। और जो चौथे नंबर का फाउंडेशन होता है वो स्टिक फाउंडेशन होता है। तो ये चार प्रकार के फाउंडेशन होते हैं। तो अभी हमें ये जानना है कि कौन सी स्किन पे हम कौन सा फाउंडेशन लगा सकते हैं। ऑयली स्किन पे हम कोई सा भी फाउंडेशन नहीं लगा सकते, और ड्राई स्किन पे हम अपने मन से भी कोई सा फाउंडेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि आप मेकअप करते टाइम भले आप सेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो केकी हो जाएगा और वो ब्लैक हो जाएगा, तो आपका मेकअप पूरा मेहनत खराब होनी है। तो इसलिए सबसे मेन पॉइंट है कि आपको फाउंडेशन की ट्रिक पता होना। तो मैं आपको बताती हूँ कौन सी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन जाने वाला है। तो सबसे पहले हमारी ऑयली जो स्किन होती है, ऑयली स्किन पे अच्छे से हमें क्रीम फाउंडेशन जाना है। जब हमारी ऑयली स्किन होगी तो हम क्रीमी फाउंडेशन यूज करेंगे। अगर हमारी ड्राई स्किन है तो हम लिक्विड फाउंडेशन यूज करेंगे, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन अच्छे से मेल्ट हो जाता है, अच्छे से हमारी स्किन पे मेल्ट हो जाता है। पाउडर बेस्ड फाउंडेशन हम ऑयली स्किन पे यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल स्किन पे हम क्रीम या लिक्विड दोनों में से कोई भी फाउंडेशन चूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि हमें फाउंडेशन से पहले अपने फेस पे अच्छे से प्राइमर लगाना जरूर है, क्योंकि फाउंडेशन को आपका प्राइमर एकदम फ्लॉलेस बनाता है, आपको अच्छी तरह से स्मूथ बनाएगा आपके फेस को। तो आप प्राइमर लगाना नहीं भूलोगे, तो इसलिए प्राइमर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें फाउंडेशन से पहले प्राइमर लगाना है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताए कि फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन हम चॉइस कर सकते हैं। ये थी हमारी दो जानकारियां। अभी एक जानकारी मैं देती हूँ आपको कि हमें फाउंडेशन कैसे चॉइस कर सकते हैं स्किन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें फाउंडेशन देखना है कि लिक्विड में या फिर क्रीम बेस में है।
उसके बाद में हमें यहाँ पे चेक करना है फाउंडेशन को। जो लोग बिगनर हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम देख के ही बता सकते हैं कि वो कौन सी स्किन टोन पे कौन सा फाउंडेशन जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे चेक करना होगा। हमें हमेशा अपनी स्किन टोन से बिल्कुल मैच खाता हुआ फाउंडेशन नहीं लेना है। जो हमारी बिल्कुल स्किन टोन का फाउंडेशन है वो नहीं लेना है। हमें हमेशा अपनी स्किन टोन से एक नंबर लाइट लेना है, अच्छे से एक नंबर लाइट शेड लेना है, सिर्फ एक नंबर अपनी स्किन टोन से एक नंबर लाइट लेना है। तो ये हमारी अलग अलग स्किन टाइप्स होती हैं, तो वो आपको स्किन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कभी भी फाउंडेशन आप चूज करोगे तो स्किन के अकॉर्डिंग एक शेड लाइट चूज करोगे आप। तो ये थी फाउंडेशन के बारे में आज की क्लास की ये जानकारी। तो आपको मैं ऐसे ही वन बाय वन मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि हम ये प्रोफेशनल मेकअप क्लास है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप यानी लो से हाई लेवल तक लेके जाएंगे, एक साथ नहीं लेके जाएंगे। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मेरे चैनल को अच्छे से, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फ्रेंड्स।